गुड मॉर्निंग भाइयों, भाई जय श्री श्याम सभी को। भाई तुमने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मेरी, शुरू में ना भाई आवाज़ बड़ी वैसी सी आ रही थी, क्योंकि भाई सो के उठा था और आवाज़ उस टाइम भारी भी पड़ी थी, मतलब अजीब सी गंदी सी आ रही थी, पता नहीं कैसी थी। अब भाई इसी को मंदा करें, भाई गाड़ी एकदम भपका रही थी, ठीक है। एक बज रहा है, 1:17 हो रहे हैं, ये गाड़ी वैसे ही 5 मिनट आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। और गाइस पापा मम्मी गए भाई, कहाँ नानी गए हैं, और वहाँ कुछ प्रोग्राम है भाई, वो अपना वहाँ अटेंड करेंगे। हम अपना काम धंधे वाले आदमी भाई, हम तो नौकरी पेशे करेंगे, ठीक है, अपना जाएंगे ऑफिस संभालेंगे, और तो क्या काम है हम पे। और भाई तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाऊंगा भाई, कल लेंसकार्ट से चश्मा आया, क्या चुम्बेश्वरी चश्मा लग रहा है, चीज मजाक से हटके भाई कल मैं ले आया था, अभी मैं उसको नहीं पहन रहा। मैंने कि यार अभी नया चश्मा है, इसको रख देते हैं, अभी मैं पुराना वाले पहन रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुम बताना, आज मैं व्लॉग में पहन के दिखाऊंगा तुम्हें, तुम बताना कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताना यार, है ना, कि बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा। जहाँ तक है तुम लोगों को पसंद आएगा, एक न्यू लुक भाई, न्यू लुक है, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है चश्मा, ठीक है। तो अब देखते हैं, शाम को तो मैं दिखाऊँगा, तब बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। और अब चल रहे हैं भाई ऑफिस। और मौसम की बात करें भाई, क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है भाई, अगर टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर गाड़ी कितना दिखा रही है भाई, गाड़ी दिखा रही है 35 डिग्री टेम्परेचर, ये देख लो। अरे फोकस कर ले चाचा, ये नहीं करता, कर लिया, 35 डिग्री। और भाई धूप चली गई है, लेकिन मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, अब बस बारिश हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है, मज़ा से ही आ जाएगा, रंगत ही रंगत। और तुम लोग बता दो क्या हाल चल रहे तुम सबके भाई, थोड़ा व्लॉग को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और 1 सेकंड लगेगा चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं है भाई, बेल नोटिफिकेशन और ऑन कर देना, जब भी पहला व्लॉग डलेगा तुम लोगों को सबसे पहले नोटिफाई होगा और तुम लोगों को सबसे पहले पता लगेगा, तो भाई कर दो यार, तुम्हारा छोटा सा सपोर्ट मिले भाई बहुत बड़ी बात है, कर दो कर दो कर दो। गाइज अपने सामने चल रही है भाई टिगोर ICNG, वो भी ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी के साथ, कहते हैं ना भाई क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और भाई ऑटोमेटिक इसका इतना प्यारा है, इतना फ्लॉलेस है, मतलब कब कब में गियर शिफ्टिंग होती है पता ही नहीं लगता, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। और सबसे अच्छी बात भाई, डायरेक्टली स्टार्ट है ये कार CNG पे, सबसे बेस्ट बात भाई, गजब की परफॉर्मेंस है इस कार की, गजब की परफॉर्मेंस। तो भाई लिटरली अगर किसी का भी भाई इतना बजट है ना, टिगोर CNG जितना या ऑरा CNG जितना, भाई मैं इन दोनों कार्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखता हूँ या एक ही कंपैरिजन में रखता हूँ भाई, लाख दर्जे बेटर है टाटा की कार्स, लाख दर्जे हुंडई से भाई, क्योंकि जब आप ऑरा में बैठते हो ना यार, उसका फील भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब डैशबोर्ड इतना नकली नकली सा फील होता है उसका, ठीक है होगी यार सबकी अपनी अपनी पसंद है, बट दो, लेकिन टाटा का भाई इंटीरियर बहुत उससे फार बेटर है और फार अपग्रेडेड फील होता है, लेकिन भाई ह्यूंडई का फील नहीं होता उतना। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन टाटा टिगोर और टाटा टियागो दोनों ही CNG में बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में, स्पेशली इन हैचबैक एंड सेडान, वो भी CNG। भाई फाइनली भाई लेंसकार्ट स्टोर से चश्मा ले लिए गाइज, माना भाई, अरे चुप हो जा चाची। गाइज माना भाई, कहते हैं ना किसी भी कंपनी का भाई कुछ भी परचेज कर लो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो भाई उसके साथ मिलनी चाहिए। अभी भाई लेंसकार्ट स्टोर से चश्मे परचेज किए हैं, ठीक है, मतलब भाई ठीक है, चश्मे बहुत बढ़िया थे, अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत मैं कह रहा हूँ बढ़िया, इसलिए मैं बाहर से नहीं बनवाता, बिकॉज उनकी क्वालिटी बहुत बेटर रहती है बाहर से बनवाने में। लेकिन यार एक बेसिक चीज़ जो कि कहते हैं ना ग्लास क्लीनर, भाई वो तो देना चाहिए ना यार, जब बंदा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई 100-200 के चश्मे ले रहा, जहाँ इतने महंगे महंगे चश्मे लिए जा रहे हैं भाई, वहाँ एक छोटा सा ग्लास क्लीनर आप दे दोगे अपने ही चश्मों के साथ तो क्या बुरा है भाई। ये चिंदीपना छोड़ दो लेंसकार्ट वालों, ये तो एटलीस्ट कस्टमर को दे दिया करो बिना किसी फालतू चार्ज के, तो भाई प्लीज थोड़ी शर्म कर लो, शर्म। मम्मी के नानी के यहाँ से आने का सुख देखो, सुख, पनीर की सब्जी, वाह, छोले, पूड़ी, चावल, ओ मजे ले रही है, मजे आइए। हाँ जी गुड मॉर्निंग भाइयों, जय श्री शाम सभी को।
और भाई कल तुमने देखा होगा कि मैं लेंसकार्ट स्टोर से आया था तो मैंने तुम लोगों को स्पेक्स नहीं दिखाए थे अपने, क्योंकि भाई कल रात ना मैंने ट्राई नहीं करे क्योंकि उसके बाद मम्मी पापा आ गए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मम्मी पापा गए थे नानी के यहाँ क्योंकि वहाँ कुछ प्रोग्राम फंक्शन था तो वो सब निपटा के आए थे, और भाई वहाँ से आया था ज़बरदस्त सा खाना, तो हम लोग वो खाने में बिजी हो गए और खाने में बिजी हो गए फिर जाके अपना चुपचाप बोल बतला के सो गए। ठीक है, ध्यान से ही उतर गई भाई मेरे, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया। लेकिन 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 अभी कहाँ, अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, दिल्ली। लो ये देखो, और इसके साथ साथ भाई ये है हमारा मिस्ट्री बॉक्स। अब मिस्ट्री बॉक्स में क्या है, और देखो ये है मेरे करंट वाले स्पेक्स। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ और बताना कि करंट वाले कैसे लग रहे हैं, नॉर्मल कैसे लग रहे हैं और बिना स्पेक्स के कैसे। ये देखो, चलो अब मैं तुम्हारे आगे पहनता हूँ। ये वाले तुमने वैसे भी देख ही रखे होंगे कभी ना कभी ब्लॉग में। तो ठीक है, एक है ये वाला लुक, ठीक है बताओ ना कैसा लग रहा है। ये वाला ही ठीक लग रहा है या जो अब मैं न्यू पहनूंगा वो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, रुको भैया रे। और ये है इसमें हमारा पिटारा, लेंसकार्ट का पिटारा भैया, लेंसकार्ट का। रुक जाओ, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन का वाला पर्चा तो हटा दूं। तो ये लो भैया, ये है हमारा लेंसकार्ट का पिटारा जॉन जेकब्स। अब भाई मैं तुम्हें ये पहन के दिखाता हूँ और बताना कैसा ही लग रहा है ये। ठीक है भाई, जहाँ तक है तुम लोगों को बहुत प्यारा लगना चाहिए, बिकॉज कहते ना पहली बारी में देख के पसंद आने वाली चीज़ थी, तो मतलब मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ, इतनी जल्दी से कोई चीज़ पसंद आती नहीं है अपने को। ठीक है, और ये भाई जब पहना एक ही बारी में पास ऑन हो गया, मतलब कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए अपने को, वो वाला सीन हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, मैं सिंगल हाथ से खोल रहा हूँ, तुम लोगों को क्या देख रहे हो, डिफ़िकल्टी लेवल देख लो बेटा, तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा। टन टन भाई मजा आ गया। अबे रुक जा चाचा, तुझे भी अभी जाना। टैंकटन बताओ भाई बताओ कैसा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, लग तो सेक्सी रहा है, है? भाई बढ़िया लग रहा है यार, ईमानदारी से बताना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना, नहीं तो बता रहा हूँ पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है ना, ठीक है, या वो वाला, दोनों में से बताना कौन सा बढ़िया लग रहा है, या बिना स्पेक्स के तो तुमने देख ही रखा है और स्पेक्स के साथ ऐसे। ठीक है भाई, मुझे नया वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी के साथ है, मतलब इसमें अपडेटेड पावर्स है ना तो वो भी बहुत बढ़िया, कहते ना बहुत बढ़िया विजिबिलिटी दे रहा है। चलो अब तुम्हें दिखाते हैं भाई, दिल्ली चल रहा हूँ, दिल्ली में जाम से मुलाकात करवाते हैं तुम्हारी। और गाइस इसी के साथ साथ भाई दिल्ली तो चल ही रहे हैं, लेकिन भाई प्रधान जी ने रखे हैं हमारे लिए राजमा चावल, जो कि भाई मुझे ना गाड़ी चलाते टाइम कम से कम मैं थोड़ा बहुत खा लूँगा, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं आया हूँ, तो खाते खाते अपना कार ड्राइव कर लेंगे और अपना पहुँच भी जाएंगे फटाक से। गाइस भगवान जाने भाई आज दिल्ली में किस बात का इतना ट्रैफिक है, मतलब भाई रेगुलर आज शायद थर्सडे फ्राइडे होगा, ठीक है, और मतलब फिर भी आज भाई वर्किंग आवर्स भी ख़त्म हो चुके हैं, 12:10 हो रहे हैं, मतलब क्यों है भाई ट्रैफिक, हमारे तो ये समझ से बाहर है। और ये देख लो भाई दिल्ली आश्रम वाली सीनिक रोड, भाई ये रोड लिटरली मुझे देहरादून की याद दिलाती है, क्या सीनिक रोड है यार, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं एफ आर आई की वाली रोड पे हूँ। भाई देहरादून से जो जो होगा उसको पता होगा FRI रोड कौन सी है, तो भाई बहुत ज़बरदस्त, मतलब दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ और बीच में एक रोड जा रही है, ऐसा सीनिक है यार, गजब ही लगता है भाई, पहाड़ों के एकदम पास वो वाली फीलिंग आती है। अब यहाँ देखो आश्रम की बत्ती का जाम, भाई साहब ये अंडरपास बनने का क्या फ़ायदा हुआ, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जाम यहाँ फिर भी लग रहा है। ठीक है, अब गाड़ियाँ निकालने में फिर वही कंजेशन, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ मेरे बुलबुल के बच्चे को पीसेगा क्या, तुम जाओ भैया तुम्हारा जाना ज़रूरी है, हम तो 5 मिनट बाद भी चले जाएंगे। हाँ हाँ
हमारे आगे खड़ी है महिंद्रा XUV 400 भाई, वो भी ईवी भाई, ट्रेंडिंग में तो है ईवी, कुछ भी बोलो मजा तो है भाई इस गाड़ी का। क्या पिकअप लेती है कार भाई साहब, एकदम श्यू गोली की तरह भाई उड़ती चली जाती है, चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों ही जबरदस्त है भाई परफॉर्मेंस में तो, जबरदस्त भाई जबरदस्त। और अभी यहाँ देखो भाई 87.5 चैनल आया हुआ है, और जब जब ये चैनल आता है तब ना तो हमारा एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता, ना ब्लूटूथ कनेक्ट होता, कुछ भी नहीं होता। अब पता नहीं भाई ये ग्लिच इसका कैसे जाएगा, और जाता भी है तो भाई एक दो बार गाड़ी रीस्टार्ट करनी पड़ती है, थोड़ी देर छोड़नी पड़ती है, तब उसके बाद जाता है, पता नहीं यार। मैं तो फरीदाबाद से आश्रम तक आ लिया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सब क्या ग्लो आ रहा है, अभी तो सीढ़ियों में बैठे और यहाँ तो कहीं रोशनी भी नहीं आ रही। ये देखो मेरी मम्मी की हाल देखो, दिख रही मम्मी कैसे उजड़ो चमन बन के बैठी है। ये हाल तो जब है जब कल अपने भाई से मिल के आई है, चेहरे पर ग्लो देखो, ग्लो ग्लो तेरी, ओए तेरी भैंस की टांग, कल भाई से मिल के आई है, आज देखियो मैं ढीली सी हो रही हूँ, ढीली तुमने खा ला ढीली, गला बैठ रहा, तुम खुद भी बैठ दो, मैंने बोली तो सही, एक एक दो दो पैक मारते दोनों मस्त सेट हो जाएंगे। मान लो मैं कह रहा हूँ तुम, मैं सोडे से ले लूंगा, तुम पानी से ले लेना, ठंडे ठंडे एकदम गला क्या सब कुछ सेट हो जाएगा परमानेंट। हेलो हेलो, कुछ खाने को दे रही हो अब हैं? तुम्हारे लिए दवाई लेके आनी है, क्या लेके आना है? कुछ ना लेके आना, ऐसे कैसे बात बनेगी फिर तुम्हारी, फिर तो तुम ऐसे ही बात करोगी, तुम्हारी ऐसी टांग बता रही हो, वो मान जाओ बहुत हाथ चल रहे तुम्हारे। ओए अच्छा चश्मा बताओ, चश्मा कैसा लग रहा, लग रहा बढ़िया है? बोल बोल तुम, चश्मा तो बताओ, चश्मा कैसा लग रहा साला? जिस पे वही वाली बात है ना, हल्दीराम की थाली मिल जाए तो किसी को कदर थोड़ी होती है साला, जब खानी ढाबे की दाल है तो लायक ही नहीं हो तुम तो ऐसी औलाद के ना, इतनी सूत्री औलाद होगी तो जलोगी तो सही। मैं बता रहा हूँ बहुत मार रही हो, मान जाओ तुम्हारी भैंस की टैट। अब क्या बनवा रही हो, बैम्बिनो? बैम्बिनो भाई एक टाइम था जब हम अपनी नानी हाँ तुम खांस लो पहले, तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए मम्मी, और कुछ करना और कुछ कर लो। एक टाइम था भाई नानी के हाथ के जवे खाने को मिलते थे, आहा क्या मजा आता था, ठीक है ऐसे पतले पतले इतने बढ़िया बढ़िया जवे, और अब साले मार्केट के खाने पड़ रहे गंदे, मतलब गंदे तो क्या, वो तो शुक्र है ये प्रधान रसोई में लग रही है, ठीक है ये कुछ अलग तरीके से ढंग से बना देती है कुछ नया, तो ये भी ठीक लगते, लेकिन जो मम्मी वाला स्टाइल है वो भाई नानी के हाथ वाले जगहों में ही मज़ा आता था, नहीं तो बाजार के और किसी के हाथ में मज़ा ही नहीं आता, निखालस गंदे जवे लगते हैं। और जिसने भाई सदा घर के खाए हो ना, वो बाहर के खा ही नहीं सकता, जैसे हमने सदा घर का ही देसी घी खाया, बाहर का खाया ही नहीं, बाहर का तो निखालस गंदा लगता है। मान जा मम्मी यार, ज़्यादा चेप हो रही, ज़्यादा प्रैंक मत हो गया, ठीक है ना? देखिए क्या सेक्सी लग रहा हूँ, चीज मजाक चट के है ना, दोबारा बोले तैयार तो रहे, मान जाओ मम्मी